धर्मशाला में पुलिस महानिदेशक ने माना कि प्रदेश में स्टाफ की कमी से जूझ रहे थानों में होमगार्डों की तैनाती होगी। ये मामला सरकार के समक्ष भी उठाया जाएगा। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेशक सीताराम मरंडी ने कहा कि स्कूलों के बाहर 3D युक्त सेंसर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे। उन्होंने माना कि पुलिस के पास पर्याप्त मात्रा में अल्कोहल सेंसर नहीं है। 31 मार्च तक अल्कोहल सेंसर खरीदे जाएंगे ताकि सेंसर की कमी पूरी की जा सके। नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ा गया है। 2018 में नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। सेलिब्रिटी कैंपेन के जरिए लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक भी किया गया है। उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि सड़क हादसों में मौतों के जो आंकड़े हैं उनमें कमी आए। नॉर्दर्न रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ DGP ने धर्मशाला में बैठक भी की। बैठक में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को आने वाली दिक्कतों पर भी चर्चा की गई। और चौकी नया नया क्रिएशन हो रहा है, अभी जैसे दमताल पुलिस स्टेशन बन रहा है, पहले पुलिस चौकी था 22 लोग और सरकार ने सैंक्शन किया, उस एरिया में जरूरी भी है। इसी तरह जो पोंटा साहिब थाने के अंतर्गत एक और पुलिस स्टेशन का नोटिस कैबिनेट में डिसाइड हुआ, एक साइंस में डिसाइड हुआ, कई पुलिस पोस्ट के लिए क्रिएशन के लिए डिसाइड हुआ। इससे हमारा स्ट्रेंथ वैसे भी बढ़ रहा है और हम कुछ होमगार्ड से ऑगमेंट भी कर रहे हैं, तो इसलिए कोई स्ट्रेंथ के ऊपर सरकार भी सीरियस है और रीजनेबली जो है स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। सर नूरपुर पुलिस चेकअप करेंगे, कोशिश करेंगे। और स्पीड ब्रेकर्स आजकल टेक्नोलॉजी बदल गई है, स्पीड ब्रेकर्स जो एक ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप का स्पीड ब्रेकर्स भी करा सकते हैं 3D, हाँ 3D का, और उसके लिए भी एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि उसमें सडन एक्सीडेंट्स वगैरह या कोई ये होगा नहीं। और स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के प्रीमिसेस में जो स्पीड है दैट इज लिमिटेड, जो नॉर्मल स्पीड जो बाकी जगह का स्पीड पे वो उस एरिया में नहीं जा सकता, तो हर एक सिटीजन को भी इसको समझना चाहिए। और मेरी व्यक्तिगत राय है कि एक्चुअल स्पीड ब्रेकर से जो इल्यूजन वाला स्पीड ब्रेकर है 3D वाला वो बेटर रहेगा। सर आप